हम लोग इस टेक्निकल सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस टेक्निकल सेशन में दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत मायने रखती हैं, बेसिक सी चीजें हैं। और अगर हम लोग सबसे पहले ऑनलाइन टीचिंग या ऑफलाइन टीचिंग की बात करें तो कुछ टेक्निक्स हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, आइदर वो LMS है, MS Team है, गूगल क्लासरूम है, जूम है, पावर पॉइंट पे ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं, साथ साथ जितने भी टूल्स हैं, जितने भी टूल्स अभी आज डिस्कस हो जाएंगे आप लोगों के साथ, उनमें से लाइसेंस टूल कौन कौन से हैं, ओपन सोर्स या फ्रीवेयर टूल कौन कौन से हैं, तो उन सब के बारे में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो हम स्टार्ट इस चीज से लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कोविड की वजह से जो चैलेंजेस हमें आ रहे हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या बेसिक टेक्निक्स क्या हैं। तो अगर हम बेसिक टेक्निक्स की बात करें तो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में या कोविड से पहले जो हम अपनी फिजिकल क्लासेस लिया करते थे, तो उन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा हूँ तो अगर मेरी 10:30 पे क्लास है तो मुझे उठ के क्लासरूम में जाना पड़ेगा और उस क्लासरूम में अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो मैं क्लास नहीं ले सकूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। सेकेंडली टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेम लैंग्वेज, जैसे कि मैं अभी उर्दू या इंग्लिश बोल रहा हूँ और ये लैंग्वेज आप अगर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं तो मकसद ही फोत हो जाता है हमारा फिजिकल या ऑनलाइन या वर्चुअल क्लासेस का। तो इन चार टेक्निक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्लास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आइदर वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो क्लास सबसे पहले जरूरी है, मस्ट है। सेकेंडली उस क्लास में पार्टिसिपेंट स्टूडेंट टीचर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड वन स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें तो इट्स डिपेंड्स ऑन इंटरनेट और कनेक्टिविटी और इस तरह की चीजें। फोर्थ वन हमारा वो मटेरियल है जो क्लास के बाद हम लोग स्टूडेंट से शेयर करते हैं, वो प्रेजेंटेशन हैं, वो हैंड नोट्स हैं या वो ऑफलाइन और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग्स है। तो दीज आर द फोर बेसिक टेक्निक्स जो के अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इन फोर बेसिक टेक्निक्स को यूज करते हुए आप किसी भी टूल को आसानी से यूज कर सकते हैं। नंबर वन, हमारी क्लास वो कोई भी क्लास है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है वर्चुअल है फिजिकल है। नंबर टू, वहां पे स्टूडेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर तीन, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन वे ऑफ कम्युनिकेशन वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। और नंबर फोर, आपका मटेरियल जो कि आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दीज आर द फोर बेसिक टेक्निक्स जो कि हम लोग यूज करेंगे किसी भी टूल को यूज करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के पर्पस के लिए। तो अभी बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टूल्स की, आगे चल के उन टूल्स के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे। तो अगर हम किसी भी टूल के रिच फीचर्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा MS Team एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि लाइसेंस टूल है, लेकिन इसका फ्रीवेयर भी अवेलेबल है फॉर 6 मंथ ऑन microsoft.com पे आप चले जाएंगे, यू कैन क्रिएट योर लॉगिन इजीली। सो MS Team, उसके बाद है गूगल क्लासरूम। ये दोनों टूल ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फीचर्स अवेलेबल है। इसके बाद बात आ जाती है जूम की, और उसके बाद बात आ जाती है पावर पॉइंट की, और उसके बाद अदर टूल्स हैं, कोई भी टूल है लाइक फ्री कैम है या विनएक्स HD है या फिल्मोरा है। तो ये बहुत सारे अदर टूल्स भी हैं जहाँ पे आप अपनी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके अपना लेक्चर पब्लिकली
आइदर यूट्यूब, आइदर गूगल ड्राइव, आइदर vtransfer.com, किसी भी जगह पे पब्लिश कर देंगे तो वो रिकॉर्डिंग आपकी स्टूडेंट तक पहुंच जाएगी। तो मैं अब कोशिश करूंगा इस पहले सेशन में हम एक या दो टूल प्रैक्टिकली डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको एड्रेस कर लूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी भी एक ऑफलाइन टूल की। तो ऑफलाइन टूल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो ऑफलाइन टूल की ज़रूरत इस वजह से पड़ रही है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रूरल एरियाज में या ऐसे एरिया में है जहाँ पे इंटरनेट मुश्किल से आता है। तो उन स्टूडेंट को एंटरटेन करने के लिए हमें अपना लेक्चर ऑफलाइन ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ऑफलाइन रिकॉर्ड करने के बाद उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, गूगल ड्राइव पे, यूट्यूब पे, vtransfer.com पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे छोड़ना पड़ेगा जहाँ से वो स्टूडेंट ईजीली उसको डाउनलोड कर सके। सो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता चला जाऊंगा और एक या दो लोग मुझे स्टार्टिंग में एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास क्लियरली व्यू हो रही है। मैं एक प्रेजेंटेशन खोल लूं और इस प्रेजेंटेशन को मैंने कर लिया है शेयर और होप सो मेरी स्क्रीन सब लोगों के पास शेयर हो गई होगी। यस सर। जी पावर पॉइंट, थैंक यू सो मच। पावर पॉइंट के दो वर्जन हैं जिसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा। पावर पॉइंट में एक तो वर्जन है जो कि फ्री वाला है, पायरेटेड वर्जन है या ओपन सोर्स बोल ले। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पावर पॉइंट जिन लोगों के पास ओपन सोर्स वाला है वो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं पावर पॉइंट के थ्रू। मैंने भी अपने पास अनलाइसेंस वर्जन ही इंस्टॉल किया हुआ है फॉर ट्रेनिंग पर्पस, और जो लाइसेंस वर्जन है उसकी गाइड है मेरे पास जो कि मैं इसके बाद आपसे शेयर कर लूंगा ऑनलाइन स्क्रीन के साथ। और जितना भी मटेरियल, जितनी भी कॉन्वर्सेशन, जितनी भी ट्रेनिंग आज टेक्निकल रहेगी, उस सारी ट्रेनिंग का जो मटीरियल है वो आप लोगों को थ्रू PHEC मिल जाएगा, वरी होने की जरूरत नहीं है। सो यू कैन सी कि मैं, आप लोग देख रहे हैं मेरे पास एक मेरी पहले से बनी हुई एक पावर पॉइंट की स्लाइड है और टॉप पे जितनी भी ऑप्शन है, फाइल, होम, इंसर्ट डिजाइन, इसमें एक ऑप्शन है स्लाइड शो। स्लाइड शो को क्लिक करते ही नीचे पहली ऑप्शन आ जाती है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग करने के लिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक गाइड दिखा दूंगा जिसमें आप देखेंगे कि अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो यू कैन इजीली रिकॉर्ड योर वीडियो रिकॉर्डिंग। सो मैं ये स्टार्ट करता हूं। अभी ये एक काफी एक्सपेंसिव और हाई टेक्नोलॉजी टेक टाइप का एक प्रोजेक्ट था, सेफ एंड स्मार्ट कैंपस, जो कि UET ने किया हुआ है एक साल पहले अंडर माई सुपरविजन, और इसमें हमने पूरे कैंपस को कवर किया है वाईफाई की टेक्नोलॉजी के साथ। आप कहीं पे भी मूव करते हैं तो आपके वाईफाई कनेक्टेड रहते हैं आपकी सारी डिवाइसेस के साथ, जहाँ जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया हुआ है। सो ये फैसिलिटी थ्रू एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है। तो अभी मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, मैंने एस्केप किया, तो यू कैन सी के आपको अब रिकॉर्डेड वॉइस सुनाऊंगा। आप राइट बॉटम में देख सकते हैं इजीली कि ये जो भी रिकॉर्ड हुआ है कुछ सेकंड्स के लिए ये रिकॉर्ड हो गया, और उस इस रिकॉर्डिंग को आप आसानी के साथ अपने कंप्यूटर में पहले सेव कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपके साथ एक गाइड और शेयर करूंगा जिस गाइड में आप लोग देखेंगे कि हम PPTP पे रहते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। सो मैंने अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर की, ये एक छोटा सा गाइड ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए।
इस गाइड ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं कि हमने गाइड बनाई है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से एक प्री डिफाइंड स्लाइड, इसमें आप कोई स्लाइड ना भी हो यानी कि ब्लैंक स्लाइड हो तभी भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई मटेरियल जो कि आपने स्टूडेंट से शेयर करना है वो हो तो भी कर सकते हैं, सारी ऑप्शंस अवेलेबल है पावर पॉइंट में। सो दीज ये जो वे है इसमें आप राइट बॉटम में देख रहे हैं एक फीमेल है, ये हमारे स्टाफ से है जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड की होगी, सो शी इज रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्ड कर रही है कोई भी लेक्चर ऑडियो वीडियो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपका पावर पॉइंट लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। सो ये छोटी सी एक गाइड है जो कि आप लोगों को मिल जाएगी और इस गाइड में आप आसानी से अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी मैं एक नोट पैड शेयर करूंगा आप लोगों से, जस्ट अ मिनट। उस नोट पैड में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी इन सारी स्लाइड्स को मैं शेयर कर रहा हूं आप एक नोट पैड, और ये नोट पैड आप लोगों के सामने व्यू हो रहा होगा सब लोगों को। अब पावर पॉइंट में ऑडियो और वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज है उसके साइज का। तो उसका साइज जब हमने देखना शुरू किया, जब हमने पावर पॉइंट में लोगों को गाइड किया कि आप लेक्चर रिकॉर्ड करें, तो हमें कंप्लेंट्स ये आना शुरू हो गई कि ये तो 400 MB या 500 MB का लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है। जब हम ये स्टूडेंट को भेजते हैं जिन बेचारों के पास पैकेज ही इंटरनेट का बहुत थोड़ा है, तो उनके तो MBs निकल जाएंगे इसी काम में। सो हमने थोड़ी R&D की और कुछ सॉफ्टवेयर हमने और ढूंढे। तो एक फ्री कैम का सॉफ्टवेयर है, ये फ्री कैम का सॉफ्टवेयर आपका ऑडियो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करता है। अगर आपको पावर पॉइंट नहीं चाहिए या पावर पॉइंट आप नहीं यूज कर पा रहे हैं या कोई चैलेंजेस हैं, तो यू कैन यूज फ्री कैम फॉर ऑडियो वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है, अभी मैं आपको एक ब्राउजर पे भी दिखाता जाऊंगा कि वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं ये सॉफ्टवेयर। तो एक तो फ्री कैम आप यूज करेंगे, उसके बाद फ्री कैम में भी साइज अगर आपका 400 MB 30 मिनट्स के लेक्चर का बन जाता है तो आप इसको रीसाइज करेंगे WinXHD वीडियो कन्वर्टर ड्यूलेक्स के सॉफ्टवेयर से। ये सॉफ्टवेयर भी हम आपको देंगे और इस सॉफ्टवेयर की गाइड भी देंगे कि ये सॉफ्टवेयर आपकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को कंप्रेस किस तरीके से करेगा, और उसका साइज जो कि ओरिजिनल 400 MB है वो कम हो गए शायद कोई 40 MB या 50 MB भी आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन रिड्यूस योर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये जो दो टैब जो लिंक दो नजर आ रहे हैं जिनको मैं अभी बारी बारी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो मैं एक नई स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा ये लिंक चला के। मैं स्क्रीन अपनी दोबारा शेयर करता हूं आपसे, और अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो दो लिंक थे फ्री कैम के और WinXHD ड्रॉप के ड्यूलेक्स के, ये वो दोनों टूल हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इस पहले लिंक में WinXHD कन्वर्टर ड्यूलेक्स सॉफ्टवेयर की गाइड बताई गई है कि किस तरीके से, मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूं आपको, ये प्ले होता है यहाँ से, और इसकी साउंड शायद अभी आप लोगों को नहीं आएगी क्योंकि साउंड मेरे लैपटॉप की साउंड यूज हो रही है। तो इस लिंक में और इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ, ये सारी गाइड
ये वो गाइड है जिस तरीके से आप अपनी फाइल का साइज किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। और जो इसका दूसरा टैब है, इस टैब में फ्री कैम सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने आपको बताया था, जिसका साइज है 22.3 MB। ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे और इसका क्रैक भी अवेलेबल है, तो यू कैन इंस्टॉल इजीली। सो पावर पॉइंट की बात करने का मकसद और पर्पस ये है कि जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन रिकॉर्डिंग या ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट के चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए पावर पॉइंट इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑफलाइन रिकॉर्डिंग। तो आप ऑफलाइन रिकॉर्डिंग मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं, पावर पॉइंट, फ्री कैम, और फ्री कैम अगर आप यूज करते हैं तो उसके बाद आपका ड्यूलेक्स विन एक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो उसके साइज को रिड्यूस करेगा। तो ये जो सारा मटेरियल है ये आपको आसानी से मिल जाएगा, इसके बारे में मैं दो दफा आपको गाइड कर चुका हूँ, वो वरी होने की जरूरत नहीं है। तीसरी एक चीज है जो कि आप नोट कर लें, मैं बोल देता हूँ, एक साइट है www.vtransfer.com। आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आपका कोई ऑडियो या वीडियो लेक्चर है जिसको पब्लिक करना है बहुत सारे लोगों के साथ, तो आप इस साइट पर जाएंगे, अपना लेक्चर अपलोड करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग भी इसको नोट कर सकें। लेट मी स्टार्ट vtransfer.com। मैंने स्क्रीन अपनी दोबारा शेयर की है और मेरी स्क्रीन पे एक साइट टॉप पे आ रही है vtransfer.com। अब ये साइट क्या करती है कि ये आपसे आपकी फाइल ले लेती है जो कि आपके लोकल कंप्यूटर से होगी, कोई भी फाइल होगी। लेट सपोज मैं एक ऐसे जर्नल से फाइल अपलोड कर दी है, अब ये किसको भेजनी है, उसका ईमेल एड्रेस मांग रहा है, योर ईमेल एड्रेस मांग रहा है, और ये ट्रांसफर कर देगा। ये ट्रांसफर करेगा तो जो भी कंसर्न पर्सन है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके पास एक ईमेल अलर्ट लिंक चला जाएगा और वो ईमेल अलर्ट लिंक को क्लिक करेंगे तो यही फाइल उनके पास डाउनलोड हो जाएगी। तो ये साइज जो है ये ऑलमोस्ट 2 GB के करीब ऑफर करती है, ये ऑनलाइन साइट है। इसके लिए जरूरी है कि जो बंदा फाइल अपलोड कर रहा है, जो पार्टिसिपेंट अपलोड कर रहा है या कर रही है, उसका इंटरनेट कंपैरेटिवली अच्छा होना चाहिए। तो दीज आर द 2-3 डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू आप सबसे पहले अपने ऑफलाइन स्टूडेंट के चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टूल की तरफ, और अगले टूल को फिनिश करने के बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगा। तो अभी हम बात करते हैं रिलेटेड टू गूगल क्लासरूम, एमएस टीम लेटर ऑन आप लोगों से डिस्कस हो जाएगा, बहुत सारे लोग उसको यूज कर भी रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं गूगल क्लासरूम की। So, let me log in. मैं लॉग इन कर लूँ अपना ताकि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ। गूगल क्लासरूम का एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेते हैं। गूगल क्लासरूम दो तरह के फीचर्स के साथ है, एक गूगल क्लासरूम जी सूट के साथ है। जी सूट जो है एजुकेशन के लिए फ्री है, लेकिन उसका टेनेट जीमेल की टीम के साथ मिलकर टेक्निकल टीम के साथ क्रिएट करना पड़ता है या होस्ट करना पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन है फ्री जीमेल, जो कि हम सब लोग यूज कर रहे होते हैं। थर्ड ऑप्शन है कोई भी जीमेल की फैसिलिटी जो कि किसी भी इदारे ने, एजुकेशन सेक्टर ने अपनी डोमेन रजिस्टर कराई हुई है,
तो जी सूट उसके साथ ऑटोमेटिकली उसको मिल जाता है। तो अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ अपना, मैं आपको बताता चलूँ कि यूईटी का जितना भी स्टाफ और फैकल्टी है वो ओ 365 यानी कि ऑफिस 365 को यूज़ करते हैं, और हमारा जितना भी स्टूडेंट है वो जीमेल यूज़ करता है। सो मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा शेयर करता हूँ और आप लोगों से मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे नाम के आगे @student.uet.edu.pk लिखा हुआ है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जी नजर आ रही है। यस सर। जी थैंक यू। सो जो डोमेन नेम है, जो हमारा डोमेन नेम है, वो student.uet.edu.pk है। गूगल क्लासरूम के जो तकरीबन 92% फीचर्स हैं वो नॉर्मल और आम जीमेल अकाउंट में भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ फीचर हैं जो कि सिर्फ जी सूट यूजर्स को ही अवेलेबल है। इसके लिए वरी होने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको गाइड किया है कि एनी टूल जो भी आपने यूज किया है या कर रहे हैं या करेंगे, कोई भी टूल जिसके साथ आप लोग कंफर्टेबल हैं, आप लोगों को उस टूल के साथ जाना चाहिए। आइदर वो लाइसेंस है, आइदर वो फ्रीवेयर है, लेकिन जो टूल आपकी जरूरत को फुलफिल करता है आपको उस टूल के साथ जरूर जाना चाहिए। सो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो हम उन सारी ऑप्शंस को देख रहे हैं। तो मेरे पास ये जो जीमेल का लॉगिन है, ये जी सूट और एक एजुकेशन सेक्टर का लाइसेंस डोमेन का जीमेल अकाउंट है। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं, और मैंने आपको गाइड भी अभी दिखाऊंगा इसके मिड में, और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि जीमेल का नॉर्मल अकाउंट जो है उसमें भी 90% ऑप्शंस ये हैं। तो टॉप राइट पे देखेंगे ये डॉटेड आइकन्स हैं, जिस जगह पे भी ये डॉटेड आइकन्स कंप्यूटर में नजर आएंगे इसका मतलब होता है मोर ऑप्शंस। सो इसको क्लिक करते ही आप देखें बहुत सारी ऑप्शंस मुझे नजर आना शुरू हो गई हैं। तो हम सबसे पहले स्क्रोल डाउन करके चले जाएंगे बॉटम में, जहाँ पे एक ऑप्शन है क्लासरूम की। तो मैंने क्लिक कर दिया क्लासरूम को, मेरे पास ऑलरेडी काफी सारी क्लासेस बनी हुई हैं, लेकिन एक क्लास मैं अभी आपके साथ बना भी लूंगा और आपको गाइड भी कर दूंगा कि क्लास किस तरीके से बनाई जाएगी। मैं एक क्लास को डिलीट कर रहा हूँ जो मैंने शायद कल बनाई थी। जी राइट टॉप पे प्लस का आइकन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास की बात है। तो क्रिएट क्लास करते हैं, हमें क्लास बना लेते हैं। क्योंकि मैं टेक्निकल आईटी से हूँ तो बहुत सारी जगहों पे मैं आईटी से रिलेटेड टर्म्स को यूज कर रहा होगा, जैसे कि अभी मैंने डेटा सेंटर लिख दिया। तो इट्स अप टू यू एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप अपनी क्लास का नाम रख सकते हैं, उसका सेक्शन रख सकते हैं, सब्जेक्ट रख सकते हैं, रूम नंबर रख सकते हैं। मैंने क्लास क्रिएट कर ली, और अब से ऑनवर्ड जिन भी टूल में स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन मौजूद है, जिन भी टूल्स में हम ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट टीचर को ऐड कर सकते हैं, उन पे हमारे वो 4 टेक्निक्स अप्लाई होंगे, जिन टेक्निक्स के बारे में मैंने शुरू में बात की थी कि आपकी क्लास होना जरूरी है, नंबर 2 स्टूडेंट्स का होना जरूरी है, नंबर 3 स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होना चाहिए, नंबर 4 मटीरियल्स। सो एक क्लास क्रिएट कर ली है मैंने यहाँ पे, तो पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया। इसमें आप देखेंगे कि 0 स्टूडेंट है, अगली जितनी भी क्लासेस हैं उनमें एक एक स्टूडेंट है। तो हम इसी को क्लिक कर लेते हैं, और सबसे पहले ऊपर जो भी ऑप्शन आ रही है इसमें हमने पीपल को क्लिक किया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो टीचर्स और दूसरा स्टूडेंट्स। तो टीचर्स में आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि कोई क्लास आपकी 2 घंटे की है या 4 घंटे की है, जो कि 2-2 घंटे के 2 टीचर्स लेंगे एक सेशन, तो
और टीचर भी ऐड कर सकते हैं। उसका फायदा ये है कि उस टीचर के पास सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इस क्लास के चले जाते हैं। इट्स डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो स्टूडेंट को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए इनवाइट है, ये कैंसल और इनवाइट। तो इनवाइट कर रहे हैं, ये इनवाइट हम क्यों कर रहे हैं इसके मीनिंग्स भी मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट मैं और ऐड करूंगा ताकि मैं आपको ईमेल अलर्ट भी दिखा सकूं। मैंने आपको बताया था कि जो यूईटी की फैकल्टी और स्टाफ है वो ऑफिस से 65 यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए डोमेन एट UET.DUPK है। दो तीन टेक्निकल चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों आइकन्स बिल्कुल भी प्रॉम्प्ट नहीं है या कलर्ड नहीं है या क्लिकेबल नहीं है। मैं अभी इनकी रीजंस और वजूहत बताता हूँ आपको, और मैं आपके साथ अपना आउटलुक शेयर करता हूँ अभी, ताकि आप लोग देख सकें कि ये अलर्ट किस तरह का आएगा। मैं अपना आउटलुक शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। देखें यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे गए थे, अभी मैं ठीक करता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ईमेल अलर्ट आया है, कहाँ से? @classroom.google.com से। वो कहता क्या है कि mudassir.khan@student ने आपको इनवाइट किया है एक गिग सपोर्ट टीम 2020 के लिए, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन करें। तो अगर हम यहाँ पे ज्वाइन का बटन क्लिक करेंगे तो मैं वहां पे ज्वाइन हो जाऊंगा। तो ये प्रोसीजर होता है कि जब आप किसी भी स्टूडेंट को या मल्टीपल स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो आपने उनको ये भी गाइड करना है कि उन्होंने ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। जब तक वो ज्वाइन का बटन क्लिक नहीं करेंगे वो उस टीम का पार्ट नहीं बन सकते। तो अभी हम वापस आते हैं अपने गूगल क्लासरूम पे, तो मैं वहां पे ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को। अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ। जी हम लोग अभी वापस आ गए हैं इस पोर्शन पे जहाँ पे हमने दो स्टूडेंट ऐड किए थे, और अभी मैंने अपने एक असिस्टेंट को बोला है कि वो ज्वाइन के बटन को क्लिक करे। अब मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। PHEC ट्रेनिंग की क्लास में मैं आया हूँ, इसके मैं पीपल्स में आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए फजल मोहम्मद जो है, फजल मोहम्मद ने ज्वाइन कर लिया था, तो इसका आइकन प्रॉम्प्ट हो गया है, ये कलर्ड आइकन हो गया। तो अभी जैसे ही एक स्टूडेंट इस क्लासरूम का ज्वाइन करेगा तो एक तो वो नंबर वन यानी कि एड वन हो जाएगा, न्यूमेरिक वन आ जाएगा, और साथ ही वो कलर्ड प्रॉम्प्ट भी हो जाएगा। सो अभी जैसे ही होता है मैं आपको दिखा दूंगा। सो हम इस क्लास को ले लेते हैं जिसमें कुछ मटेरियल्स और चीजें ऑलरेडी एडेड है, तो हम इसको लेके आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरीके से हमने स्टूडेंट को ऐड किया, और इसी तरीके से आप टीचर को ऐड करेंगे। इनवाइट वो इस वजह से भेजता है, यहाँ पे ऐड का वर्ड यूज नहीं करता गूगल क्लासरूम, इनवाइट का वर्ड इस वजह से यूज करता है कि आपने उसको इनविटेशन सेंड किया है। जब तक वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं बन सकता। तो आपको इस चीज का ख्याल करना है और स्टूडेंट को गाइड करना है कि वो जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे वो इस क्लास का पार्ट नहीं बन सकते। सो अब हम बाकी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। टॉप पे एक दूसरी ऑप्शन है स्टीम, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये स्टीम क्या चीज है। तो स्टीम में कुछ पुराने मैसेजेस पड़े हैं, मैं उनको डिलीट कर रहा हूं।
अब जो स्टीम है, स्टीम एक ऐसी वॉल है जहां पे आप स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए डिस्कशन कर सकते हैं, असाइनमेंट्स डिस्कस हो सकती हैं, टॉपिक डिस्कस हो सकते हैं, आप कोई मैसेज भेज सकते हैं स्टूडेंट्स को. सो मेरे एक स्टूडेंट ने उसको ज्वाइन कर लिया है जिसको मैंने वकार को ऐड किया था. तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये क्लिकेबल हो गया. इस पर मैं क्लिक नहीं कर सकता, ये क्लिकेबल है. इसको मैं क्लिक करूंगा तो मोहम्मद वकार असलम का नाम आना शुरू हो गया है. सो दिस इज द वे जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली बताना था. यहाँ पे पहले स्टूडेंट जीरो था, अब स्टूडेंट वन हो गया है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट वन हो गया. तो हम इसी क्लास को ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड हो गया. तो स्ट्रीम का मतलब है कि किसी भी तरह की डिस्कशन जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए यूज हो सकती है. मैं इसको पोस्ट कर देता हूं कि पोस्ट हो गया. यहां पे मैं लिखता हूं व्हाट अबाउट टुडे क्लास, इसको भी मैं पोस्ट कर देता हूं. तो ये जो आपका स्टीम है, स्टीम इज द वॉल, डिस्कशन वॉल. ये एक ऐसी डिस्कशन वॉल है जहां पे आप अपने कमेंट्स पेस्ट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स के डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के डिस्कशन कर सकते हैं. सो आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं. आप यहाँ से जाएंगे, ऐड करेंगे, कंप्यूटर आपका लोकल कंप्यूटर आएगा. आपने यहाँ से मैसेज को क्लिक किया, अपलोड किया, तो ये अपलोड भी हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द वे यू कैन पोस्ट एनीथिंग ऑन योर वॉल फॉर द स्टूडेंट डिस्कशन. और ये एक वे है जिससे आप डिस्कशन कर सकते हैं. यहाँ पे एक चीज रह गई है जो कि क्लास कोड के नाम से है. तो ये क्लास कोड है, ये क्लास कोड भी आप यूज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए क्लासेस. लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी डोमेन सेम होनी चाहिए. डोमेन सेम होने का मतलब ये है कि अगर आप आम या नॉर्मल जीमेल का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो बाकी सबका भी नॉर्मल अकाउंट होना चाहिए. जैसे कि मैं स्टूडेंट एट UTEDUPK यूज कर रहा हूँ तो मेरा भी ये होना चाहिए. तो ये एक नॉर्मल अकाउंट है जिसके लिए ये कोड आप यूज कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए. तो स्टीम को हमने देख लिया कि किस तरीके से स्टीम पे आप पोस्टिंग और पेस्टिंग कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट ऑप्शन है क्लासवर्क. तो अब हम आगे हैं क्लासवर्क के ऊपर. अब यहाँ पे क्लासवर्क में मल्टीपल फीचर्स हैं जिनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पे जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो है असाइनमेंट क्विज जो कि टीचर स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करते हैं. तो हम यहाँ पे एक असाइनमेंट्स क्रिएट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास असाइनमेंट्स क्विज और बाकी ऑप्शन आ जाएंगी. हम एक असाइनमेंट्स क्रिएट करके देखते हैं. यहाँ पे आप टाइटल रखेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट. और यहाँ पे आप पॉइंट्स रखेंगे. आप कोई भी ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेंगे कि ये कब एक्सपायर हो और उसका एक टाइम रख लेंगे आप. टॉपिक आपकी मर्जी है, अगर आपको सेलेक्ट करना चाहें आपकी मर्जी है. आप यहाँ पे कोई फाइल ऐड करना चाहें या आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहें जो कि आप स्टूडेंट से करना चाहते हैं. तो दिस इज अ सिंपल वे जो मैंने एक असाइनमेंट क्रिएट की है और मैं इसको असाइन भी कर रहा हूँ. सो ये आईटी के नाम की एक असाइनमेंट आ गई है जिसमें नो कोऑपरेशन और ये चीजें हैं और ये असाइंड कर दी गई है मोहम्मद वकार असलम को क्योंकि मेरे पास अभी एक ही स्टूडेंट ऐड था. यहां तक की चीजों के लिए मैं यहाँ से ऑफ करके एक गाइड आप लोगों से शेयर करता हूँ और उससे मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ इन सारी चीजों के बारे में. तो वेट करें जरा, मैं वो गाइड शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ.
अच्छा जी, हमारे पास विंडो मैं अपनी शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को ये गाइड नजर आ जाए। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है और मेरी स्क्रीन पे गूगल क्लासरूम की एक गाइड है। ये गाइड उसी तरह जैसे कि बाकी गाइड बनाई गई है, ये गाइड भी आप लोगों के लिए बनाई गई है कि इस प्रैक्टिकल ओवरव्यू के बाद किसी टाइम पे जब आप इन सारी ऑप्शंस को अप्लाई करें तो कोई चीज जो कि इस ट्रेनिंग में मिस हो जाए या आप लोगों को याद ना हो या टेक्निकली आपको थोड़ी हेल्प की जरूरत हो तो आप ये गाइड डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इस गाइड डॉक्यूमेंट में गाइड कर दिया गया है, आप लॉग इन करेंगे, आपने जैसे प्रैक्टिकली देखा कि आपने एक क्लास क्रिएट की है, आप क्लास क्रिएट करेंगे, उसमें अगर आपने कुछ फोटो लगाना है, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन डिटेल लिखनी है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल्स की बात हो रही है वो आप ऐड कर सकते हैं, फिर आपने स्टूडेंट को किस तरीके से ऐड करना है। ये जो गाइड है ये एक जी सूट लाइसेंस अकाउंट की मदद से बनाई गई है, तो माइट बी पॉसिबल इसमें कोई 5% या 7% ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन मोर देन 90% ऑप्शंस आपको नॉर्मल जीमेल अकाउंट में भी मिलेंगी। तो किस तरीके से आपने स्टूडेंट को ऐड करना है, फिर स्टीम के बारे में जो मैंने आपको बताया, स्टीम के बारे में ये कहता है जी द स्टीम इज वेयर टीचर व्यू एंड ऐड अनाउंसमेंट असाइनमेंट्स डिस्कशन टॉपिक्स एंड कॉमेंट्स। सो आप इस ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, कॉमन सेटिंग्स किस तरीके से कर सकते हैं, कौन व्यू करे, कौन डिलीट करे, कौन ऐड करे, तो ये स्टीम है और इसको फॉलो करते हुए नीचे अनाउंसमेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है और उसके बाद आपका टॉपिक असाइनमेंट्स का आ जाएगा, जिसके बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि असाइनमेंट्स को आपने किस तरीके से क्रिएट करना है, फिर उसकी ग्रेडिंग है और इसके फॉलोड बाय गूगल मीट शेड्यूल, गूगल कैलेंडर और बाकी चीजें हैं। सो दिस इज द टिपिकल गाइड फॉर यू पीपल्स विद आइकन्स डिस्क्रिप्शंस। ये आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपने गूगल क्लासरूम में ऑप्शंस को यूज करना है। और क्योंकि इसमें हम लोगों ने विंडो स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, बटन्स लगाए हुए हैं, आइकन्स लगाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लगाई हुई है, तो ये आपको काफी क्लियर व्यू देगा, हेल्प करेगा ऑफ टाइम पे जबकि मैं या कोई और ट्रेनर या कोई भी और टेक्निकल गाइड अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग आसानी से ये सारे काम कर सकते हैं। तो वापस अपनी क्लास पे आते हैं, मैं विंडो दोबारा शेयर करता हूँ आप लोगों से। एक सेकंड, मैं अपनी विंडो को शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ दोबारा से। मेरा लॉगिन एक्सपायर हो गया, जरा मैं लॉगिन ऐड कर लूं। जी, मैंने अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर की है और हम लोग आ जाते हैं अपने क्लासरूम में। क्लासरूम में हमने एक असाइनमेंट क्रिएट की थी न्यू क्लास में, क्लास वर्क में, और ये अब असाइनमेंट आ रही है। ये अब असाइनमेंट हम क्रिएट कर चुके हैं और इसके बाद इसी तरीके से क्विज असाइनमेंट है। तो क्विज असाइनमेंट का भी तरीकाकार ये है, लेकिन उसमें आप क्विज फॉर्म भरते हैं और इस क्विज फॉर्म को भरने का सिंपल सा तरीका कार है कि आप इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा सकते हैं, वन लाइन क्वेश्चन लगा सकते हैं और आप इसी क्विज फॉर्म की मदद से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर करते हैं या लिखते हैं डेटा सेंटर इंटरनेट अवेलेबल इन ऑफ और यहाँ पे हम ऑप्शन लिखते हैं यस।
एक ऑप्शन लिखते हैं नो, इसका प्रीव्यू ले लेते हैं और मैं एक सबमिट भी कर देता हूं फॉर अ सैंपल। अब क्या हुआ यहाँ पे कि आपके पास रिस्पांस आ गया कि एक यूजर ने इस फॉर्म को फिल किया है, क्योंकि मैंने जैसे ये फॉर्म क्रिएट किया और मैंने प्रीव्यू में जाके इसको फिल कर लिया। तो इसकी छोटी सी सेटिंग्स हैं यहाँ पे कि आपने ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करने हैं जो जो लोग ये काम करेंगे, और उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए या किसी भी वो अकाउंट से आ जाएं, तो ये छोटी सी सेटिंग्स हैं। और गूगल क्लासरूम में एमएस टीम की तरह डायरेक्ट आइकन नहीं है अटेंडेंस लेने का, तो ये एक मैनुअल तरीका है जिस तरीके से आप स्टूडेंट की अटेंडेंस ले सकते हैं, यही तरीका है जिससे आप क्विज भर सकते हैं। तो मैं आपको एक रिच फीचर्ड का क्विज दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे मोर ऑप्शंस में एक ऑप्शन है फॉर्म्स, फॉर्म को आप क्लिक करके ये सारे असाइनमेंट फॉर्म और क्विजेस दे सकते हैं। तो हमने यूईटी ने कोई अप्रैल के मंथ में एक सर्वे किया था ऑनलाइन स्टूडेंट्स के इंटरनेट, उनकी डिवाइसेस और इन सारी चीजों के लिए, उनके एड्रेस के लिए। तो ये एक ऑनलाइन सर्वे है जिसके रिस्पॉन्सेज देख लें, 2393 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और इसके जो रिजल्ट्स थे, जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो एक्सेल में भी आ जाते हैं, ग्राफ में भी आ जाते हैं, और इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगी। तो ये सारा तरीका कार जो गाइड मैंने अभी आपको 2-4 मिनट पहले गूगल गाइड दिखाई है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं। यू कैन गाइड योर सेल्फ ईजीली थ्रू गूगल ट्यूटोरियल जो कि PHEC की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं वापस, कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये हमने असाइनमेंट्स, क्विज, क्वेश्चंस और मटेरियल सारे सेम टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मीट, तो अब हम बात कर रहे हैं गूगल मीट की। तो गूगल मीट एक ऑडियो वीडियो लाइव कॉल का फीचर है जिसमें आप अपनी क्लास कंडक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं मीट को क्लिक करूंगा, ये मेरे से कुछ ऑप्शंस एक्वायर कर लेगा। एक रनिंग क्लास को पकड़ लेते हैं और इसका मीट यूज कर लेते हैं। तो ये क्विकली मुझे नेक्स्ट ऑप्शन पे ले आया है जहाँ पे ये मेरे से मेरा ऑडियो वीडियो सेटिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, और जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा मेरी ये वाली कॉल होल्ड पे चली जाएगी और मैं एक नई कॉल में कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा, आप लोगों को यहाँ पे इन्वाइट कर सकते हैं और उनके साथ मीटअप कर सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑडियो वीडियो, वट एवर यू वॉन्ट। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है गूगल कैलेंडर की। तो जिस तरीके से कैलेंडर के मीनिंग्स डेट के साथ बनते हैं, तो अगर आपने कोई भी अपनी क्लास शेड्यूल क्लास करनी है, कोई भी ऐसी क्लास है जैसे कि आज की ट्रेनिंग शेड्यूल है, इसकी ईमेल लिंक आपको एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले मिल गया था, इसी तरीके में गूगल कैलेंडर ये फैसिलिटेट कर रहा है कि आप एक इवेंट क्रिएट कर लें। जैसे कि मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा PHEEC ट्रेनिंग, मैंने यहाँ पे अपने आप को ऐड कर लेता हूँ, और उसी तरीके से मुझे इनवाइट आएगा मेरे ईमेल में जैसे स्टूडेंट के टाइम पे आया था, और उस इनवाइट को मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे शेड्यूल मीटिंग अटेंड कर लूँगा। यहाँ पे आप अपना टाइम और डेट ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो 10:30 से 12:30 तक लिखा आ रहा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेव किया मैंने, ये मुझे कह रहा है कि जी मैं सेंड इनवाइट भेज दूँ, तो मैंने यस कर दिया। मैं अब अपना आउटलुक शेयर करता हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोग देखेंगे कि मुझे वहां पे इनवाइट आ गया है। जी मैंने अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर की, तो ये देख लें आप, ये invite.ics, ये मुझे इनवाइट आ गया है गूगल की तरफ से। इसमें नीचे टाइम भी लिखा होगा 11:30 से 12:30। तो जैसे ये ज्वाइन का बटन है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरी कॉल कनेक्ट हो जाएगी उन साहब के साथ जिन्होंने मुझे ये ज्वाइन भेजा। सो दिस इज द वे वेयर यू कैन शेड्यूल योर मीटिंग, योर क्लास और एनीथिंग। मैं क्लासरूम पे वापस आ जाता हूँ। सो ये गूगल क्लासरूम था।
अभी थोड़ी हम बात कर लेते हैं मोर ऑप्शंस की। तो मोर ऑप्शंस में आपके पास ड्राइव है, शीट्स हैं, फॉर्म है, ये वही मीट है जो यहाँ पे मीट दिखाया है, और यहाँ पे कहीं पे कैलेंडर भी होगा, कैलेंडर, ये रहा कैलेंडर, ये वही कैलेंडर है, ये गूगल कैलेंडर है। लेकिन ये कैटेगरी डिफरेंट इस वजह से हो जाती है कि जब आप बात करेंगे किसी एक क्लासरूम की तो वो क्लासरूम से दिखा देगा, अगर आप बात करेंगे सेपरेट इस ऑप्शन की, ये जिस जगह से आपको ये मीट और कैलेंडर नजर आ रहा है तो ये जर्नल कैलेंडर और जर्नल मीटअप हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये फॉर्म्स की ऑप्शन है, ये वही फॉर्म्स हैं जो हमने क्लासरूम में असाइनमेंट्स क्विज के तौर पे देखे थे। यहाँ पे एक ऑप्शन है जैम बोर्ड की, ये जैम बोर्ड सिर्फ जी सूट में नजर आता है, नॉर्मल अकाउंट में नजर नहीं आता। ये वो जैम बोर्ड है जिसको आप व्हाइट बोर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जैम बोर्ड नजर नहीं आ रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा कि आप एक सिंपल व्हाइट बोर्ड की ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, तो वो व्हाइट बोर्ड आपके जीमेल में और एमएस टीम दोनों में इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पहले से राइटिंग की होगी, तो ये जैम बोर्ड है, आप नोट या कोई भी चीज या रेज या जो भी आप करना चाहें एज पर योर रिक्वायरमेंट, मैंने पूरा फ्रेम भी क्लियर कर दिया। तो जैम बोर्ड की ऑप्शन क्योंकि मेरे पास एक एजुकेशनल डोमेन वर्जन है जिसमें एडमिन भी लिखा रहा है, तो ये जैम बोर्ड नॉर्मल अकाउंट्स में नजर नहीं आएगा। उसके लिए आपको व्हाइट बोर्ड इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। व्हाइट बोर्ड की छोटी सी एप्लीकेशन होती है, वो आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी, सेम वो आपके व्हाइट बोर्ड एमएस टीम में भी व्हाइट बोर्ड इंटीग्रेट हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक फ्यू टेक्निक्स एंड बेसिक टू टूल्स, गूगल क्लासरूम और पावर पॉइंट, जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा है। ये मैं गाइड आपके साथ एक दफा दोबारा शेयर करता हूँ। ये देखें इस गाइड में जहां तक हम असाइनमेंट्स तक रुके हुए थे, असाइनमेंट्स को भी काफी डिटेल डिस्क्राइब कर दिया गया है इस गाइड डॉक्यूमेंट में। और जब आप इसके नीचे आ जाएंगे तो इसकी ग्रेडिंग के बारे में डिस्कस हो गया कि ग्रेड किस तरीके से दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपने नंबर खुद रखे हुए वहां पे। और उसके बाद ये है गूगल कैलेंडर, गूगल कैलेंडर की इंटीग्रेशन है और किस तरीके से ये गूगल कैलेंडर काम करेगा। इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट और है गूगल मीट का, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ये गूगल मीट का ट्यूटोरियल है। गूगल मीट में नॉर्मली कुछ ब्राउजर और विंडो बेस्ड चैलेंजेस आते हैं जो कि हमने यहाँ पे एड्रेस कर दिए हैं। टेक्निकली हमने लिख दिया है कि किस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए और आपका ब्राउजर कौन सा होना चाहिए, उसका वर्जन कौन सा होना चाहिए। ये टेक्निकलिटीज को पूरा करने के बाद, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद, आप गूगल मीट को आराम से यूज कर सकते हैं। और ये स्क्रीनशॉट के साथ इस गाइड में दिखा दिया गया है कि गूगल मीट किस तरीके से वर्क करता है। सो ये दो बेसिक टूल्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। भी हम लोग एक छोटा सा सेशन क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू गूगल क्लासरूम और पीपीटीपी, तो वो मैं एड्रेस करता हूं। थैंक यू। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चंस जो है वो वन बाय वन कीजिएगा ताकि सब लोगों को मौका मिल जाए। जी आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, सलीनवान फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नारवल। सर गूगल क्लासरूम के बारे में मेरा एक क्वेश्चन है।
हेलो हेलो नुमान, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप अपना क्वेश्चन करें, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। जी सर। अच्छा सर, उसमें मैंने पूछना ये चाह रहा था कि गूगल क्लासरूम, जिससे आपने अटेंडेंस मार्क करने का बताया आप गूगल फॉर्म को यूज करते हुए, अब उसमें ये है कि गूगल फॉर्म में अब अगर हम स्टूडेंट्स के अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं, वो तो पूरा सेमेस्टर हमने वो एक ही फॉर्म को यूज करके, हमें एक फॉर्म का उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर किया बच्चों ने वो या सर नो के फॉर्म में, तो वो तो अटेंडेंस होगी एक दिन की, तो क्या हम डेली एक नया क्वेश्चन बनाना पड़ेगा जिसमें ये या सर नो को ऑप्शन यूज करके जो ना वो हम यूज करेंगे अटेंडेंस मार्क करने के लिए? क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हम डेली एक नया फॉर्म ना बनाना पड़े या नया क्वेश्चन ना बनाना पड़े उस एग्जिस्टिंग फॉर्म के अंदर? इसका कोई है कोई सर हल? जी नुमान, इसका हल ये है कि आप फॉर्म एक ही बना लें और जैसे आप शेड्यूल करते हैं ना उसके ऊपर आप टाइमर लगाते हैं या डेट लगाते हैं, तो उसके डेट अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर और योर रिक्वायरमेंट कर लें। और जैसे कि मैंने भी आपको एक सर्वे फॉर्म दिखाया था कि अगर वो एक्सपायर हो भी जाता है तो आप उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स, और यही एक मैनुअल तरीका कार है जिससे आप अटेंडेंस ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही किसी की? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आपकी इस वजह से नहीं आ रही कि मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस का। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो हम इस सेशन को फिर क्लोज करते हैं। और इमरान, आप हैं पीएचईसी से यहाँ पे? इमरान शाहिद जी सर, मैं मौजूद हूँ इधर। ठीक है, आप पार्टिसिपेंट से इंटरेक्ट कर लें।
जी अभी आप लोगों के पास आपको हम मैं शेयर कर देता हूँ, एक लिंक आएगा फीडबैक का सेशन के लिए, तो काइंडली फीडबैक लाजमी दीजिएगा, अभी आपसे लिंक शेयर हो जाता है।